हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथ्स। क्वेश्चन जो डिस्कस करने जा रहा हूँ बायनोमियल्स से रिलेटेड है, बट एक क्वेश्चन बायनोमियल्स से ज़्यादा कहीं सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखोगे खुद ही आइडिया हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, कोफिशियंट ऑफ एक्स टू द पावर 50 इन 1 प्लस एक्स टू द पावर 1000, 2x, 1 प्लस एक्स टू द पावर 999, 3x स्क्वायर 1 प्लस एक्स टू द पावर 998, डॉट डॉट डॉट। ये अप टू इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म तो लिखा नहीं, कहीं पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म लिखा हुआ है। इसका मतलब सॉल्व उसी केस में हो रहा होगा जब एक्स हमारा -1/2 से बड़ा होगा। इसका क्या रीजन है अभी थोड़ी देर में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अब ध्यान से देखना है, जैसे मान लो अगर ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब जैसे आप बायनोमियल में सॉल्व करते हो ना, कि सपोज दैट हम यहाँ से एक्स की पावर 50 का कोफिशिएंट या यहाँ से एक्स की पावर 50 का कोफिशिएंट सेकंड टर्म से लिख रहे हैं, तो दिक्कत हो जाएगी, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने दो तीन बातें सुन लेना, कि अगर आपने क्वेश्चन पहले से नहीं किया होगा तो पहले खुद से सॉल्व करना, उसके बाद जब अटेम्प्ट पूरी तरीके से आप सॉल्व ना कर पाओ, ठीक है, तभी सोल्यूशन देखना। अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल सब्सक्राइब करना। अगर किसी स्टूडेंट को लगता है उनके लिए वीडियो हेल्पफुल हो सकता है तो उन तक शेयर करना, ठीक है। अब क्वेश्चन की बात करते हैं सीधे, आ रहे सोल्यूशन पर। अब इस क्वेश्चन को ऐसे मत सॉल्व करना कि यहाँ से एक्स के पावर 50 का कोफिशिएंट लिख लेना है, यहाँ से लिख लेना, तो फिर बहुत ज्यादा मुश्किल में पड़ जाओगे, क्योंकि इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म की बात कहीं दूर दूर तक दिख नहीं रही है। तो एक काम करो, पहले इस सीरीज को हम लिखते हैं, फिर कुछ देखो आप डेटा ऑब्जर्व कर पा रहे हो, सीरीज को लिख लो। तो यहाँ पर सीरीज क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस एक्स टू द पावर 1000 प्लस 2x, 1 प्लस एक्स टू द पावर 999 प्लस 3, एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स टू द पावर 998 प्लस, इस टाइप में सीरीज लिखी हुई है, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखो तो इसमें आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। सॉल्व करने के लिए क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो, जैसे मान लो कुछ ना लिखे होने का, तो यहाँ वन समझ सकते हो, तो 1, 2, 3 ये तो आपका एपी में चल रहा है, ठीक है। और इसके बाद 1 प्लस एक्स टू द पावर 1000, एक्स इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 999, ठीक है, एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स टू द पावर 1998, ये आपका जीपी में चल रहा होगा। हाँ, यहाँ जो जीपी है, जीपी का जो कॉमन रेशियो होगा ना, जीपी का जो कॉमन रेशियो होगा वो आपका एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स चल रहा होगा। ऑब्जर्व करो, 1 प्लस एक्स टू पावर 1000 को एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो यही टर्म तो बन रहा होगा ना, एक्स इंटू 1 प्लस एक्स टू पावर 1999। और फिर एक्स इंटू 1 प्लस एक्स टू पावर 999 को अगर आप एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर और एक पावर यहाँ रिड्यूस होकर 998 हो जाएगी, ठीक है। अब समझना, इनफाइनाइट जीपी का सम फाइनाइट तभी फाइंड कर सकते हैं जब कॉमन रेशियो का जो मैग्नीट्यूड है, जो जीपी है, वो 1 से छोटा हो, ठीक है। इसीलिए लिखा हुआ कि x ग्रेटर देन -1/2 होगा। रीजन क्या है कि अगर आपको थोड़ा बहुत कैलकुलस का आइडिया अगर होगा तो एक्स पावर 1 प्लस एक्स आपका एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, और -1/2 अगर आप पुट करोगे तो -1/2 पर इसकी वैल्यू -1 आ रही होगी, ठीक है। और अगर इसमें लिमिट एक्सटेंस टू इन्फिनिटी फाइंड करोगे तो इन्फिनिटी पर इसकी वैल्यू 1 आ रही होगी। तो इसका मतलब अगर हम -1/2 से बड़ा कोई भी नंबर लिखेंगे, ठीक है, तो यहाँ जो एक्स पावर 1 प्लस एक्स होगा इसकी वैल्यू -1 से उनके बीच में ही आ रही होगी, ओके। अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, अब क्वेश्चन को सीधे स्टार्ट करते हैं सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब सबको आइडिया है कि ए जी पी का सम कैसे फाइंड करते हैं, प्रोसेस याद है ना, नहीं याद है तो सुनो, जो जीपी का कॉमन रेशियो है ना उससे मल्टीप्लाई करके लिख दो और टर्म को थोड़ा शिफ्ट करके लिख देना। इनफाइनाइट ए जी पी है तो कोई टेंशन नहीं है कि आपको एनएक्स टर्म सोचने की जरूरत नहीं है। तो एक्स इंटू एस अपॉन जो इस पूरे सीरीज को एक्स अपॉन 1 प्लस 6 से मल्टीप्लाई कर दो। एजीपी को सॉल्व ऐसे ही करते हैं कि कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, फिर डिफरेंस लिखते हैं। तो एक काम करना, डिफरेंस लिखना है तो टर्म को हम थोड़ा सा शिफ्ट करके लिखते हैं। अब इसमें जब हम एक्स अपॉन 1 प्लस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा एक्स 1 प्लस एक्स टू पावर 9, ओके। इसको आप मल्टीप्लाई करो ना एक्स अपॉन 1 प्लस 6 से, तो एक पावर कम हो जाएगी 1 प्लस एक्स टू पावर 1000 की, ठीक। अच्छा, अब सेकेंड टर्म को जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 2x स्क्वायर 1 प्लस एक्स टू पावर 998 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ नहीं करना है, बस आप इनका डिफरेंस लिख लो केवल। अब इनका जब डिफरेंस लिखोगे तो एस 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स कुछ इस टाइप में लिखा होगा, इक्वल टू
वन प्लस एक्स टू द पावर थाउजेंड प्लस इनसे सब्ट्रैक्ट करोगे, इनका इनका डिफरेंस लिखोगे तो एक्स वन प्लस एक्स टू द पावर 999, फिर यहां से आपका आ रहा होगा एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स टू द पावर 998, इस टाइप में कुछ हमारा बन रहा है, ठीक है। अब डिफरेंस होने के बाद अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपने जब डिफरेंस फाइंड कर लिया तो अगेन आपको एक जीपी दिखाई दे रही है, ठीक है, इनफाइनाइट जीपी। अब इसका फॉर्मूला आपको मालूम होता है, ए अपॉन वन माइनस आर लिखते हो, ठीक है। तो ए का मतलब यहाँ पर है वन प्लस एक्स टू द पावर थाउजेंड अपॉन वन माइनस आर, कॉमन रेशियो कितना है एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, ओके। और इधर ये कितना आपका सिंप्लीफाई हो रहा होगा, वन प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, ओके। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया, वैसे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक्स का जो टर्म है, एक्स का टर्म जो है यहाँ पर कैंसिल आउट हो रहा होगा, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर वन अपॉन वन प्लस एक्स बच गया एस इंटू, और यहाँ पर आपका क्या आ गया वन प्लस एक्स की पावर थाउजेंड, ठीक, अपॉन यहाँ पर देखो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो वन प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स लिखा होगा, एक्स का टर्म यहाँ भी कैंसिल आउट हो गया, और ओवरऑल यहाँ पर आपका आ गया वन प्लस एक्स की पावर थाउजेंड वन आ गया, ठीक है। अब हमें टारगेट था सम फाइंड करना, एस फाइंड करना, तो फाइनली जो एस है ना ये आपका कितना आ गया वन प्लस एक्स की पावर 1002 आ गया, ठीक है। अब हमें जो फाइंड करना था कोफिशियंट, वो एक्स की पावर 50 का कोफिशियंट फाइंड करना था, अपने जो एक्सप्रेशन एस लिखा हुआ है, ठीक है। तो सिंपल सी बात होगी, अब एक्स की पावर 50 का कोफिशियंट सिंपल कितना हो जाएगा, अब एक्स की पावर 50 का कोफिशियंट होगा वो 1000 से 50 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है ना, कि आप इसका जब एक्सपेंशन करोगे तो टर्म किस टाइप में आ रहा होंगे, 1002 से 0 प्लस 1002 सी वन एक्स 1002 सी टू एक्स स्क्वायर, इसका एक्सपेंशन ऐसे चल रहा होगा, बीच में एक टर्म ऐसे कहीं आ रहा होगा 1002 सी 50 एक्स की पावर 50 प्लस, इस टाइप में कुछ बन रहा होगा। तो यहाँ पर जो कोफिशियंट आ रहा है फाइनली एक्स की पावर 50 का, जो लास्ट टर्म आएगा 1002 एक्स की पावर 1002 आ रहा होगा, लास्ट टर्म लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको जो फाइंड करना था ना, मेन टारगेट क्या था, आपको एक्स की पावर 50 का कोफिशियंट फाइंड करना था, वो मिल गया, बाद बाकी बात खत्म होगी, उतनी बात होनी चाहिए जितनी जरूरत हो। तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और इसमें मतलब अगर आप क्वेश्चन की बात करोगे तो बायनोमियल तो बाद में बस थोड़ा सा यूज हो रहा है, बाद बाकी जो क्वेश्चन है वो एजीपी को सिंप्लीफाई करना है, बस एजीपी को आपको आइडेंटिफाई करना होता है। अब कई बार होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इस टाइप में कोई सीरीज देखते हैं और कोफिशिएंट लिखा होता है तो दिमाग में बस एक ही चीज चल रही होती है, शायद कोई बायनोमियल चल रहा होगा, जरूरी नहीं है कि हर जगह सिर्फ बायनोमियल ही चल रहा होगा, मैथमेटिक्स में मोर देन उन कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी बन रहे होते हैं कि जिसमें दो तीन टॉपिक को एक साथ मिस कर दिया जाता है, तो उसमें एजीपी भी थोड़ा सा यूज हो गया, कॉपीज उसके बाद बायनोमियल का भी थोड़ा सा यूज हो गया। तो अगर ऑप्शन की बात करोगे तो 1002 से 50 आपका जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूँ जिनका भी डाउट रहा होगा या जिनसे भी सॉल्व नहीं हो पा रहा होगा उनका डाउट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।